ये भांट ऑफ फैक्टर का सेकंड वीडियो अपलोड हो रहा है, न्यूमेरिकल का, एनसीईआरटी का। ठीक, इससे पहले हम लोग एग्जांपल का दो क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग इंडेक्स का पढ़ रहे हैं जो कि 2.40 से स्टार्ट है। एक्सरसाइज का 2.40 क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, आई का वैल्यू दिया हुआ है जी, डिटरमाइन ऑफ अमाउंट ऑफ CaCl2। इसमें दो चीज है, आप या तो मास निकाल लो या तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, ठीक है, दोनों में से जो इच्छा है। मोलर मास 111 हो जाएगा, ग्राम पर मोल कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 35.5 × 2 71 और 40 कैल्शियम का, ठीक है। उसके बाद आपको आई का वैल्यू दिया हुआ है 2.47, 2.47 ही दिया हुआ है। हाँ, डिजोल्व इन 2.5 लीटर, आपका 2.5 लीटर आपका क्या दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है। हाँ, सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 0.75 एटमोस्फेयर, टेम्परेचर आपको दे दिया है 27 डिग्री C, केल्विन आप बदल लो 300 केल्विन, ठीक है। आ जाओ फॉर्मूला पे जी, लिख देंगे क्या, पाई इक्वल टू जो उसका नॉर्मल फॉर्मूला है W1 by M1 V R T, और आई से हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए, हम पहले भी बोले हैं कि भांट ऑफ फैक्टर का जो न्यूमेरिकल का हम ये दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पहले आप भांट ऑफ फैक्टर का जो हम थ्योरी अपलोड किए हैं उसको एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, अगर देखे हैं तो ठीक है, तब तो ठीक ही है। अब यहां से हम लोग को क्या निकालना है, अमाउंट, तो अमाउंट हम लोग नहीं निकाल लेंगे, W1 पाई हो गया, M1 हो गया, V हो गया, I हो गया, R हो गया, T हो गया, ये आ गया W आपका, ठीक है। यूनिट क्या आ जाएगा, ग्राम। चलिए अब हम लोग देखते हैं 2.41 में, 2.41 में कह रहा है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। ये 2.41 का मैं बात कर रहा हूं, चाहे इधर ही बनाता हूं। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, हम लोग को ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, इसको हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लें, 25 को डिवाइड कर दिए 1000 से, 10 to the power -3 ग्राम। K2SO4 का मोलर मास आप निकालो, K का 39, S का 32, O का 16, आप इसका मोलर मास निकाल के यहाँ पे पुट कर लो, 174 आएगा ग्राम पर मोल, ठीक है। 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम आपको 2 लीटर दिया हुआ है, एज्यूमिंग एट 25 डिग्री सेल्सियस भी है जी, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में आपको हो जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। आई हम लोग को नहीं पता है, लेकिन आई के लिए क्लू दिया है, क्या दिया है, अल्फा दिया हुआ है 100%। देखिए, अल्फा दिया हुआ 100%, दैट मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है कंप्लीटली डिसोसिएटेड, वर्ड लिखा हुआ, दैट मींस 100% डिसोसिएशन, तो अल्फा का वैल्यू 100%, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 पे डिवाइड देंगे, दैट मींस अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1। ये सब पिछला वीडियो में जो इसका थ्योरी है उसमें बहुत अच्छा से समझाया गया है, एक्सप्लेन करके उसको आप देखिए। अब क्या लिखेंगे, सिंस अल्फा इक्वल टू i-1 / n-1, अल्फा के जगह 1, i-1 / n के जगह 3, K2SO4 के लिए K2, ये सब हम उस वीडियो में बता चुके हैं, K2 दो पोटेशियम आयन एक सल्फेट आयन, 3-1, तो ये क्या हो गया, 1 = i-1 / 2, 2 इधर आएगा प्लस, तो i = हो जाएगा 3। अब जो उसका फॉर्मूला है W, पाई इक्वल टू आई के साथ सारा मल्टीप्लाई,
तो हम लोग को क्या निकालना है, पाई निकालना है। देखिए आई का वैल्यू 3, डब्ल्यू 1 25 इंटू 10 to the power -3 ग्राम, आर का वैल्यू एटमोस्फेयर वाला 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है M1 174, V दिया हुआ 2 लीटर, सारा चीज को सॉल्व करेंगे तो पाई का वैल्यू आ जाएगा, आर का वैल्यू मैं बता दूं 0.0821 एटमोस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। ये सारा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का हो गया खत्म, सारा एग्जांपल बता दिए, इंटेक्स बता दिए, एक्सरसाइज बता दिया, टॉपिक वाइज बता दिया, मोलरिटी मोलरिटी से लेके वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और अब हंट ऑफ फैक्टर, सारा न्यूमेरिकल हम एक जगह इकट्ठा बताते गए हैं। बहुत सुंदर, आप इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम के लिए तैयार रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। अब इसका हम थ्योरिटिकल जो एक आध क्वेश्चन है, इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन है थ्योरिटिकल, वो समझाएंगे, उसके बाद जो भी सीबीएसई के क्वेश्चन है 10 ईयर्स का सॉल्यूशन चैप्टर का वो हम बताएंगे, उसके बाद स्टेट बोर्ड का बताएंगे, आप बने रहिए। चलिए बाय।